वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। इस लेक्चर में दो टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक होगा दर्जे हरारत को मापना और दूसरे टॉपिक में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को डिस्कस किया जाएगा। के फार्मेसी में अद्वियात को तैयार करने के मरहले में इज़ा का नापतोल कैसे किया जाता है। तो पहला टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दर्जे हरारत को मापना। दर्जे हरारत को स्केल की मदद से मापा जाता है और इस वक्त तीन तरह के स्केल मौजूद हैं और इन तीनों इकसाम को हम इसी लेक्चर में डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है सेंटीग्रेड और सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। इस स्केल को सी नॉट से लिखा जाता है। मजीद सेंटीग्रेड के बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल इज द स्केल बेस्ड ऑन जीरो फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल को सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है और इस स्केल में जीरो से मुराद है सबसे सर्द, यानी कि ठंडा तरीन बर्फनुमा पॉइंट, और यहाँ पर 100 से मुराद है गर्म तरीन। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, जब हम इस पानी वाले बर्तन को फ्रिज में बर्फ की शक्ल में तब्दील कर देते हैं तो यूं इसका दर्जा हरारत जीरो होगा, और जब हम इस पानी को आग पर रख के गर्म करेंगे और जब ये पानी अच्छे से उबाला जाएगा तो यूं इसका दर्जा हरारत 100 या फिर इससे जायद होगा। तो इस तरह से ठंडे तरीन पॉइंट को 0°C जबकि उबलते हुए पॉइंट को 100°C लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल और इस दर्जे हरारत के स्केल को एफ नॉट से लिखा जाता है। फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज अ स्केल बेस्ड ऑन 32 फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में सबसे ठंडे तरीन पॉइंट को 32 फारेनहाइट से लिखा जाता है जबकि गर्म तरीन पॉइंट को 212 फारेनहाइट से लिखा जाता है, यानी कि जब पानी इंतहाई ठंडा या फिर बर्फ की शक्ल में होगा तो उस वक्त फारेनहाइट में हम इसको 32 फारेनहाइट कहेंगे, जबकि जब पानी अच्छी तरह से उबलता हुआ होगा तो इस सूरत में फारेनहाइट में इसको 212 फारेनहाइट कहा जाएगा। अब इस स्लाइड में हम इन तीनों स्केल को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक स्केल दूसरे से मुख्तलिफ है और किस स्केल में हम अपनी वैल्यूज को किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सेल्सियस को और दूसरे नंबर पर फारेनहाइट को और तीसरे नंबर पर है केल्विन। और इस साइड पर दाएं इतराफ में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को, यानी कि सबसे सर्द तरीन पॉइंट। अगर हम सबसे सर्द तरीन पॉइंट को सेल्सियस में देखें तो इसको हम 0°C कहते हैं, जबकि फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट को 32 फारेनहाइट से लिखा जाता है। इसी तरह केल्विन में इसको 273 के से लिखा जाता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि जब बिल्कुल जीरो दर्जा हरारत होगा तो उस वक्त सेल्सियस में इसको -273°C लिखा जाएगा, जबकि फारेनहाइट में इसको -459 फारेनहाइट लिखा जाता है। इसी तरह केल्विन में इसको 0K से लिखा जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। सेल्सियस में जब पानी अच्छी तरह से उबलता होगा तो उस वक्त सेल्सियस में इसको
100 डिग्री सी लिखा जाता है, जबकि फारेनहाइट में इसको 212 फारेनहाइट लिखा जाता है, और इसी तरह केल्विन में इसको 373 के लिखा जाता है। कन्वर्जेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दर्जा हरारत को एक स्केल से दूसरे स्केल में तब्दील करना। द फॉलोइंग फार्मूला वर्क्स फॉर कन्वर्टिंग बोथ वेव्स, दैट इज कन्वर्जेंस कैन बी मेड फ्रॉम फारेनहाइट टू सेंटीग्रेड और फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम इस फार्मूले की मदद से बआसानी अपनी दी गए दर्जे हरारत को फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में या फिर हम इसको सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला क्या है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। 5 फारेनहाइट बराबर है 9 डिग्री सेल्सियस के जमा 160 के। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करते हैं, यानी कि हमारे पास फारेनहाइट में दर्जा हरारत मौजूद है और हमने इसको सेंटीग्रेड में तब्दील करना है। तो हम इस फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे? इस वक्त मेरे पास फारेनहाइट में जो दर्जा हरारत दिया गया है वो है 5 फारेनहाइट। अब इस फार्मूले की मदद से कैसे इसको हल करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास ये 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, जबकि आपके पास दिया गया दर्जा हरारत 5 फारेनहाइट है, तो हम इस एफ की जगह पर ये वाला जो दर्जा हरारत है वो लगा देंगे। इसके आगे हम बिल्कुल वैसे ही रहने देंगे, क्यों? क्योंकि हमें अपने दर्जे हरारत को सेंटीग्रेड में तब्दील करना है या फिर हमें सेंटीग्रेड में निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बिल्कुल बआसानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा हमारे पास 9C जमा 160। अब हम इसको 9C को इधर ही रहने देंगे, जबकि हम इस 160 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सी। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यूँ हमारा दर्जा हरारत -15°C आ जाएगा। अब हम इसके बाद दूसरे नंबर पर, यानी कि सेंटीग्रेड को कैसे फारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है, इस फार्मूले की मदद से वो देख लेते हैं। सेम इसी तरह इसी ही फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। 5F इज इक्वल टू 9C प्लस 160। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है? सी की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमने सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में तब्दील करना है और यूँ हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम अपनी जो सेल्सियस की वैल्यू है वो 5 ही रख लेते हैं। 5F बराबर है हमारे पास 9 और यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू 5 आ जाएगी जमा 160 ही रहेगा। तो यूँ इस तरह से 5 फारेनहाइट बराबर हो जाएगा 45 प्लस 160। अब हमने फारेनहाइट में निकालना है, तो यूँ हमारा ये जो 5 है वो इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो जब हम इसको मुकम्मल कैलकुलेट करेंगे तो यूँ हमारा दर्जा हरारत 41 फारेनहाइट होगा। इसी तरह आप मज़ीद जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में तब्दील करना हो या फिर सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में तब्दील करना हो तो आप इस फार्मूले की मदद से बआसानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। द टेम्परेचर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज 80°C, बट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन फारेनहाइट हाउ टू कैलकुलेट इट, यानी कि आपको मैंने दर्जा हरारत 80 सेंटीग्रेड दे दिया है, अब आपने इसको फारेनहाइट में तब्दील करना है, अब आप इसको कैसे
सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में तब्दील करेंगे। इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन बमा जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इस लेक्चर का दूसरा अहम टॉपिक है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इज़ा का नाप तोल कैसे किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर पर है डेंसिटी, जिसको उर्दू जबान में कसाफत कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ अशिया पानी में डूब जाती हैं और कुछ पानी पर तैरती हैं। अब जिन अशिया की कसाफत यानी कि डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो डूब जाती हैं, जबकि जिनकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो तैरती रहती है। तो अब हम मजीद डेंसिटी के बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को डिलीट कर देते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जब हम किसी भी चीज के वजन को उसके हुजम पर तकसीम करते हैं तो इसी को हम डेंसिटी यानी कि कसाफत कहते हैं। अब हम मजीद एक और डेंसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी की तारीफ क्या है कि जब हम किसी भी चीज के वजन को उसके हुजम पर तकसीम करते हैं तो इसी को हम डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी को मास ओवर वॉल्यूम यानी कि वजन डिवाइडेड बाय हुजम पर तकसीम करते हैं। डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसको इस तरह से लिखा जाता है यानी कि डेंसिटी को छोटी पी से लिखा जाता है और मास को एम और वॉल्यूम को वी से लिखा जाता है। तो यूं डेंसिटी का फार्मूला क्या है, पी बराबर है एम डिवाइडेड बाय वी, और डेंसिटी का यूनिट है के जी डिवाइडेड बाय एम थ्री यानी कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम इस डेंसिटी को एक मसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो डिब्बे हैं, डिब्बा ए और दूसरी तरफ है डिब्बा बी। तो जो हमारे पास पहला डिब्बा है इसके अंदर हमारे पास 5 टैबलेट्स रखी हुई हैं, जबकि हमारे पास जो बी है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 टैबलेट्स यानी कि 2 गोलियां पड़ी हुई हैं। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, जाहिर सी बात है ए वाले की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 गोलियां हैं और इसका वजन भी ज्यादा है, जबकि हमारे पास बी में सिर्फ 2 गोलियां हैं और यूं इनका वजन भी कम है। जब हम इनके वजन को इनके हुजम पर तकसीम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ए वालों का ज्यादा आएगा जबकि बी वालों का कम होगा। तो इस तरह से ए की डेंसिटी बी की निस्बत ज्यादा है। मास यानी कि वजन। अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी भी शय में मादा की जो मिकदार होती है इसी को हम मास कहते हैं, और मास का फार्मूला क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी कि कसाफत और हुजम को जब आपस में जरब दी जाती है तो इसको हम मास यानी कि वजन कहते हैं, और इसका यूनिट है किलोग्राम। अब हम इस मास को एक मसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में आपको एक बिल्ली दिखाई गई है। अब आप बिल्कुल बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्ली का वजन काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये हमें समझना नहीं है। यहाँ पर हमने जो चीज समझनी है वो ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बिल्ली की जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा है और जो हुजम है वो भी यहाँ पर ज्यादा है, जबकि दूसरी तरफ रखी हुई पेंसिल को देखा जाए तो इसकी डेंसिटी
बिल्ली की निस्बत इंतहाई कम है और हुजम भी इसका कम है, यानी कि इसने जगह का घिराव भी कम लिया है, जबकि बिल्ली में जगह का घिराव भी काफी ज्यादा है। तो इस तरह से बिल्ली का वजन यानी कि मास ज्यादा होगा, जबकि पेंसिल का मास कम होगा। इसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में तीसरे नंबर पर है वॉल्यूम, जिसको उर्दू जुबान में हुजम भी कहा जाता है। वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। हुजम से मुराद किसी भी चीज के जगह का घेरना है, यानी कि जगह के घिराव को हम हुजम कहते हैं। और हुजम का फार्मूला है, यानी कि जब हम किसी भी शय के वजन को उसकी कसाफत के ऊपर तकसीम करते हैं तो इसी को हम हुजम कहते हैं। इन मीट्रिक सिस्टम यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। लास्ट लेक्चर में हम मीट्रिक सिस्टम को बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को डिटेल के साथ जान सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हुजम की। हुजम को मीट्रिक सिस्टम में लीटर के साथ लिखा जाता है और एक लीटर हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इस हुजम को एक मसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो एक डिब्बे की तस्वीर है। अगर आप इस डिब्बे को जरा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा नजर आएगा। वो कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास बॉक्स है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जबकि इसका वजन हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। जबकि अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो बिल्ली की जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा है और वजन भी हमारे पास इसका ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को देखें तो वो डिब्बे की निस्बत इंतहाई कम। इसी तरह तीसरे नंबर पर है पेंसिल, जिसकी डेंसिटी भी कम है और उसका वजन भी कम है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, इस बॉक्स का होगा, और दूसरे नंबर पर किसका होगा, इस बिल्ली का होगा, और इसी तरह तीसरे नंबर पर इस पेंसिल का हुजम होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स ने सबसे ज्यादा जगह का घिराव किया हुआ है, जबकि बिल्ली के पास जगह का घिराव काफी कम है। हम इस बिल्ली को इस बॉक्स में कैद भी कर सकते और बहुत ज्यादा सारी पेंसिल्स को इस बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम से क्या मुराद है, किसी भी चीज के जगह के घिराव को हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यूं हमारे पास जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। परसेंटेज, जिसको उर्दू जुबान में फीसद भी कहते हैं, और इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि दरमियान में आपने एक टेढ़ी लाइन लगानी है और इस टेढ़ी लाइन के दोनों इतराफ में आपने जीरो डाल देना है और ये परसेंटेज को जाहिर करता है। परसेंट मीन पार्ट्स पर हंड्रेड एंड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किसी भी चीज को 100 समझकर इसमें जो हिस्से हमें मिलता है या फिर जो हिस्सा हमें नजर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज इज द रेट, नंबर और अमाउंट इन ईच 100, यानी कि किसी भी चीज को 100 समझकर उसमें से उसकी शरा, उसकी तादाद या फिर उसकी मिकदार को निकालना, ये परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज को हम नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय 100 पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो यूं हमारे पास ये 100% निकल आता है। इसको हम एक मसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पानी की टैंकी है जो कि बिल्कुल फुल भरी हुई है और हम इसको 100% कहेंगे। क्यों?
क्योंकि ये सारी की सारी हमारे पास भरी हुई है, इसके तमाम हिस्से पानी से भरे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसको 100% कहेंगे। और जब हम इस पानी वाली टैंकी का पानी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और यूं इस तरह से ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी कि इसके तीन हिस्सों में से एक हिस्सा हमने इस्तेमाल कर लिया जबकि बाकी के दो हिस्से अभी बकाया है। तो यूं इस तरह से इसको हमने जो कि तीन हिस्सों में तकसीम किया था और पहले वाला हिस्से को हम 10 नंबर दे देते हैं, यानी कि 10 हिस्से हमने इस्तेमाल कर लिए हैं और हमारे पास कंप्लीट यानी कि जो टैंकी थी वो 100 भरी हुई थी। और इसी तरह हमने ये 100 नीचे रख लिया और हमने इस वैल्यू को परसेंटेज यानी कि फीसद में निकालना है। तो फीसद में निकालने के लिए हम इसको 100 से ज़रब दे देंगे। तो यूँ इस तरह से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 10% आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम कुछ नंबरों की भी फीसद निकालते हैं। आपको इम्तिहान में एक पर्चा दिया गया है और उस पर्चे के कुल नंबर हैं 100, जबकि रिजल्ट में आपके नंबर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 70। तो इस तरह से जब आप अपने हासिल किए हुए 70 नंबर को मुकम्मल 100 नंबर के ऊपर तकसीम करेंगे, साथ में जब आपने इसको फीसद में कन्वर्ट करना है तो 100 से जब ज़रब दी जाएगी तो इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा 70%, यानी कि आपने 100 में से 70% नंबर हासिल किए हैं। परसेंटेज प्रोपोर्शन, इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अद्वियात को बनाने के लिए जिन इज़ा का इस्तेमाल किया जाता है इन इज़ा की फीसद की तैयारी कैसे की जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परसेंटेज प्रिपरेशन, जहां पर हमारे पास इन इज़ा की तैयारी के लिए 3 इकसाम की फीसद मौजूद है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है वेट इन वॉल्यूम, दूसरे नंबर पर है वेट इन वेट और तीसरे नंबर पर है वॉल्यूम इन वॉल्यूम। सबसे पहले नंबर पर है वेट इन वॉल्यूम और इसको W डिवाइडेड बाय V से लिखा जाता है। W बाय V और वेट इन वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आपको सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल गया है वेट इन वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास एक इज़ा वजन में यानी कि ग्राम में होगा जबकि हमारे पास दूसरा इज़ा वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन या फिर लिक्विड जैसी हालत में होगा और हम इसको मिलीमीटर से लिखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, आपके पास एक केमिकल जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है, इसका सॉल्यूशन आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम है। अब इसमें 10% वेट बाय वॉल्यूम क्या है, कैसे इस सोडियम क्लोराइड को तैयार किया गया है, यानी कि इस सॉल्यूशन को कैसे तैयार किया गया है, वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 से मुराद 10% सोडियम क्लोराइड है, यानी कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हमने 100 मिलीमीटर पानी के अंदर हल किया है और यूं इस तरह से 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी के अंदर हल करते हैं तो यूं हमारे पास एक सॉल्यूशन की शक्ल बन जाती है। इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक बीकर है और आपने इस बीकर के अंदर 100 मिलीमीटर पानी डाल दिया है। अब इस 100 मिलीमीटर के अंदर आपने 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल देना है, यानी कि सादा नमक आपने इस पानी के अंदर हल करना है। जब आप 10 ग्राम इस नमक को पानी में हल करेंगे तो यूं इस तरह से ये आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। बात बिल्कुल सादा सी है, यानी कि आपने एक इज़ा वजन में
और दूसरा इज्जा आपने हुजम में लेना है। जब आप इन दोनों को अच्छे से हल करेंगे तो वो चीज आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम बन जाएगी। दूसरे नंबर पर है वेट इन वे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों इज्जा वजन में ही होंगे। W by W परसेंट और वेट इन वेट परसेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉलिड प्रिपरेशन, यानी कि आपके पास ऐसी वो तमाम अद्वियात जो कि ठोस हालत में पाई जाती हैं और ठोस हालत में पाई जाने वाली अद्वियात की तैयारी के लिए हम जिन इज्जा का इस्तेमाल करते हैं वो भी जाहिर सी बात है हमारे पास ठोस हालत में ही होने चाहिए। और जब हमारे पास दो या फिर दो से जायद इज्जा ठोस हालत में होंगे तो जब हम इनको वहां मिक्स करेंगे तो इसको हम वेट इन वेट कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर 5% वेट बाय वेट बोरिक एसिड ऑइंटमेंट, यानी कि हमारे पास 5% बोरिक एसिड की तैयारी में हमने 5 ग्राम बोरिक एसिड को 100 ग्राम बोरिक एसिड की ऑइंटमेंट में शामिल किया है। अगर आपने यहाँ पर दो इज्जा लिए हैं तो दोनों ही आपके पास ग्राम्स में होंगे, यानी कि 5 ग्राम को 100 ग्राम में मिक्स किया जाएगा और इस मिक्सिंग को हम 5% वेट बाय वेट कहेंगे। तीसरे नंबर पर है वॉल्यूम इन वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दोनों ही इज्जा वॉल्यूम यानी कि हुजम में होने चाहिए और ऐसी वो तमाम अशिया जो कि माया हालत में पाई जाती हैं उनको ही हम हुजम में मापते हैं। वी बाय वी परसेंट और वॉल्यूम इन वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ अ लिक्विड इन एवरी 100 मिलीमीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की तारीफ कुछ इस तरह से है कि जब हम किसी भी माया हालत में पाए जाने वाली चीज को उसकी तादाद को मिलीमीटर्स में रखते हैं और जब इसके मिलीमीटर्स को 100 मिलीमीटर सॉल्यूशन के अंदर हल किया जाता है तो इस तरह की तैयारी को हम वॉल्यूम इन वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ अ अल्कोहल, यानी कि आपके पास एक अल्कोहल है जो कि 70% वॉल्यूम इन वॉल्यूम सॉल्यूशन से तैयार किया गया है, यानी कि 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहलिक सॉल्यूशन से ये मुराद है कि 70 मिलीलीटर आपने अल्कोहल लिया है और इसको आपने 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर हल किया है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने एक बीकर लिया और इस बीकर में आपने 100 मिलीलीटर पानी डाल दिया। अब इस 100 मिलीलीटर में हम 70 मिलीलीटर अल्कोहल डाल देंगे। जब हम इसको 70 को 100 मिलीलीटर पानी में हल करेंगे तो यूं इस तरह से हमारा सॉल्यूशन 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का ये लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी रابطہ कर सकते हैं।